हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम आपका यूनिट पार्ट बी, यूनिट वन, सेशन थ्री इंस्टेंट मैसेजिंग में है जो हमारा है वो ये हम पढ़ेंगे। इसमें देखिए, हम अपना जीमेल अकाउंट ओपन किए हैं। यहाँ से देखिए मैसेज कंपोज करते, ये मेरा इनबॉक्स है, इनबॉक्स में ये सारे मैसेज पड़े हुए हैं। इसको फोर कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक प्राइमरी है, देन सोशल, देन प्रमोशन, देन अपडेट, देन फोर्म्स। ओके, ये हमारा इनबॉक्स है, ये स्टार्ट है, मतलब जो भी मैसेज स्टार्ट हमने किया है स्पेशली वो हमारे यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। स्नोज, दैन इम्पॉर्टेंट, दैन हमने अभी तक तो जितने भी ईमेल सेंड किए हैं वो सेंट में दिखाएगा। ड्राफ्ट्स में, मतलब मैंने ईमेल कंपोज किया बट उसको सेंड नहीं किया तो वो मेरे ड्राफ्ट्स में पड़े होंगे। ओके, देखिए ये हमारा कंपोज, जैसे ही हम कंपोज पे क्लिक करते हैं, ओके, जैसे ही हम कंपोज पे क्लिक करते तो एक यहाँ आता है हमारा टू, टू मतलब जिसे हमें भेजना है। ओके, हम यहाँ पे कोई भी ईमेल आईडी ओपन कर सक, यहाँ पे कोई भी ईमेल आईडी राइट करेंगे। सपोज मैं खुद का राइट कर रही हूँ। ओके, जैसे देखिए ये मेरा ईमेल आईडी आ गया यहाँ पे, zainab5591@gmail.com। ओके, तो यहाँ पे हम अगर ये ईमेल यहाँ पे क्लिक करेंगे ये आ गया, ठीक है। ऑलरेडी मेरा ऐड है इसलिए मेरा निकनेम दिखाएगा। देन हमें जो भी सब्जेक्ट यहाँ राइट करना है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सपोज सब्जेक्ट हमारा डॉक्यूमेंट है। ओके, डॉक्यूमेंट मैंने लिख दिया। देन हमारा क्या इसमें, मतलब अंदर का जो मटेरियल है वो क्या होगा। देन हम सब कुछ यहाँ पे जो भी है हम राइट करेंगे। देन लास्ट में हम किस पे करेंगे, सेंड पे। देखिए यहाँ से है फॉर्मेटिंग ऑप्शन है, यहाँ से अटैचमेंट, मतलब सपोज मुझे कोई पिक्स है या फिर डॉक्यूमेंट फाइल है या फिर कोई पीडीएफ फाइल है तो हम उसको अटैचमेंट, यहाँ देख रहे हैं ये अटैचमेंट फाइल है, अटैचमेंट में जाके हम कर, यहाँ से हम कोई भी इमोजी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक। यहाँ से हम कोई भी जो हमारा ड्राइव है, गूगल ड्राइव, वहाँ से हम कोई भी इंसर्ट कर सकते हैं फाइल को। देन यहाँ से पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे ये दे रहा है कि हम जो भी कॉन्फिडेंशियल मोड है वो ऑन ऑफ कर सकते हैं। देन यहाँ पे ये है हमारा कि हम इसको इंसर्ट सिग्नेचर, लास्ट में जैसे हमें अगर सिग्नेचर इंसर्ट कराना है तो हम सिग्नेचर भी इंसर्ट करा सकते हैं। ओके, इतना आपको आ गया समझ में। और फाइनली हम सब कुछ करने के बाद क्या करेंगे, सेंड पे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम करते हैं तो यहाँ पे एक सीसी आता है, सीसी, सीसी मतलब होता है कार्बन कॉपी। अगर हम किसी और को भी भेजना चाहते हैं तो उस कंडीशन में हम सीसी करेंगे। और एक हमारा बीसीसी मतलब कि ब्लैंक कार्बन कॉपी। ओके, ऐसे मैं क्लोज कर रही हूँ। अब देखिए यहाँ हमारे मेल पड़े हुए हैं, अगर हमें इसे ओपन करना है तो हम ओपन कर लेंगे, बट ये ज़्यादातर तो यूट्यूब्स के मेल पड़े हुए हैं, ठीक। अगर हम इसको उसको डिलीट करना है, ये जस्ट हमारा कॉर्नर में डिलीट ऑप्शन है। ओके, इसको डिलीट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका इंस्टेंट मैसेजिंग में ही आपका कॉमन आईएम सर्विस है, गूगल हैंगआउट है। तो बेटा यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे देखिए गूगल हैंगआउट है, मीट है, मीट भी आप पढ़ी हैं, व्हाट्सअप है, टेलीग्राम है, पिडगिन है, और गूगल हैंगआउट है, फेसबुक पैसेंजर है, ऑडमन है। तो यहाँ से हम हैंगआउट ले लेंगे, ये देख रहे हैं हैंगआउट, यहाँ से हम हैंगआउट जब चूज़ करेंगे तो ये बेटा आपकी ऑनलाइन चल रहे हैं तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा ओपन होने में, नेटवर्क इश्यूज़ हैं। ये हमारा हैंगआउट ओपन होगा, देखिए मेरे नाम से ही है, मतलब मेरा अकाउंट है, मेरा जीमेल अकाउंट है, तो मेरा नेम शो कर रहा है Zainab, गेट स्टार्टेड बाय कॉलिंग और मैसेजिंग अ फ्रेंड बिलो। यहाँ पे हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, फ़ोन कॉल कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ दे रहा है न्यू कन्वर्सेशन। न्यू कन्वर्सेशन के लिए जो भी हमारे, मतलब हम अगर नेम सेव किए हैं तो नेम के थ्रू हम कन्वर्सेशन कर सकते हैं, या फिर ईमेल के थ्रू या फिर फ़ोन के थ्रू। ओके, तो मैं यहाँ किसी को करूँगी नहीं। ओके, नहीं तो फिर बातें होंगी तो आपकी क्लासेस डिस्टर्ब होंगे, यहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए आपका दिखा रहा है कॉन्टैक्ट्स। ओके, जस्ट नीचे में कन्वर्सेशन है, मैंने कभी किसी से कन्वर्सेशन किया नहीं है तो ये हमारा ब्लैंक दिखा रहा है, क्योंकि नो रिकॉर्ड चैट, मैंने किसी से बात नहीं किया इसलिए ब्लैंक दिखा रहा है। अगर आप किसी से बात करेंगे तो यहाँ पे जस्ट इनकमिंग मैसेज, आउटगोइंग मैसेज दोनों शो करेंगे। यहाँ पे आपके फ़ोन कॉल्स हैं, अगर आपको फ़ोन करना है तो यू कैन डू। और यहाँ से मोर है, मोर में जाएंगे तो देखिए कॉन्टैक्ट है, कन्वर्सेशन है, फ़ोन कॉल है, इन्वाइट्स है, एंड्रॉयड वर्जन है, iOS है, क्रोम है, हैंगआउट डायसलर है, और सेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं, बट मैं कुछ सेटिंग नहीं करूँगी क्योंकि मेरा सब कुछ सही है। ओके,
अब इतना करने के बाद देखिए, अगर आप सपोज साइन इन नहीं है तो उस कंडीशन में आपसे बेटा साइन इन मांगेगा। उसके लिए आपको गूगल अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, जीमेल अकाउंट, कोई भी अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए देखिए मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। एक न्यू टैब में जाएंगे, देन गो जीमेल। अगर मुझे सपोज जीमेल बनाना है तो ZMAIL, जीमेल। जीमेल पे हम क्लिक करेंगे, देखिए क्रिएट योर जीमेल अकाउंट। देखिए जीमेल पे गए हम, ये ऑलरेडी मेरा ओपन है तो इसलिए ये इसको ओपन कर देगा। बट अगर मेरा नहीं है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, क्रिएट योर जीमेल अकाउंट में, जीमेल अकाउंट में जाएंगे। जीमेल अकाउंट में जाने के बाद हम यहाँ से देखिए क्रिएट योर गूगल अकाउंट। बेटा जीमेल अकाउंट को गूगल अकाउंट भी कहते हैं। यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम टाइप करोगे, जो भी आपका फर्स्ट नेम है, देन लास्ट नेम, फिर अपना यूज़र नेम यूज़ करेंगे। देन आपको जो भी पासवर्ड चाहिए आप पासवर्ड यूज़ कर सकते हो, उसी पासवर्ड को कंफर्म यहाँ करेंगे, देन नेक्स्ट करेंगे। जब नेक्स्ट करेंगे तो फिर आपको कुछ और प्रोसेस आएंगे, उसको भी आपको करना है। सपोज़ मैं फर्स्ट नेम में डाल रही हूँ, मैं अपना निक नेम डाल रही हूँ सोनी, देन लास्ट में मैं डाल रही हूँ जैन, जैनी। ओके, और यूज़र नेम यहाँ हमें देगा। तो अब यूज़र नेम हमें क्या चूज़ करना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम यहाँ से क्या चूज़ करना चाहते हैं। ओके, सपोज़ मैं ले रही हूँ सोनी, ठीक है। तो बेटा ये चीज़ ध्यान देंगे, यूज़र नेम में ना लेटर भी होनी चाहिए और वर्ड्स भी होने चाहिए, अदरवाइज वाली लेटर रहेगा तो ये लेगा नहीं। तो इस कंडीशन में हमें लेटर भी चाहिए और वर्ड भी चाहिए। तो इसके लिए हम सपोज़ कुछ वर्ड्स चूज़ कर दे रहे हैं, लेटर ले ले रही हूँ 1 2 3, देन यहाँ पासवर्ड। पासवर्ड में जैसे ही हम आएंगे तो पासवर्ड हमें चूज़ करने के लिए देगा। तो पासवर्ड में सपोज़ हम कुछ भी चूज़ कर ले रहे हैं। ओके, पासवर्ड पे ठीक कंफर्म इसको करेंगे यहाँ पे भी आके। ओके, देन नेक्स्ट पे जाएंगे, देखिए ये हमारा रॉन्ग दिखा रहा है। यूज़ 8 करेक्टर और मोर फॉर योर पासवर्ड। यहाँ पे बेटा 8 करेक्टर, एटलीस्ट आपका 8 करेक्टर होना चाहिए पासवर्ड के लिए, ठीक है। देन आप फिर नेक्स्ट में जाओगे। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं इसको यहीं स्किप कर रही हूँ, बस मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ। ओके, ठीक। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट पे हम जब जाएंगे तो ये जब तक हम इसको सारा फिल नहीं करेंगे तब तक हम नेक्स्ट पे नहीं जा सकते, ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो जब भी आप क्रिएट करेंगे, अगर आपको अपना ईमेल अकाउंट बनाना है तो सेम टू सेम वैसे ही करना है आपको। यहाँ पे पासवर्ड आपको कब, एटलीस्ट आपको 1 करेक्टर होना चाहिए। सपोज यहाँ पे मैंने डाल दिया, ये भी मैंने कर दिया, देन नेक्स्ट। देखिए दैट यूजर नेम इज टेकन, ट्राई अनदर। देखो बोल रहा है कि ये यूजर नेम ऑलरेडी किसी ने यूज कर चुका है, ठीक है, तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। बेटा सबका अकाउंट डिफरेंट होना चाहिए, किसी का किसी से मैच नहीं करना चाहिए। तो देखिए मैंने 1 2 3 लिया यहाँ पे, तो ये ऑलरेडी हमें एक नोटिस कर रहा है कि डैट यूज़र नेम इज़ टेकन, ट्राई अनदर, मतलब कि ये हम नहीं ले सकते, हमें कुछ और लेना होगा। तो इस कंडीशन में हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको करने के बाद आप नेक्स्ट पे जाओगे, देन आप जो भी इसमें आपका जो भी मतलब डिटेल, कुछ रिक्वायर्ड डिटेल होंगे उसको आप फिलअप करोगे, देन आपका गूगल अकाउंट क्रिएट होगा। तो इस प्रोसेस को मैं यही स्किप करती हूँ। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल।